Hello everyone. In today's class, we are going to learn about the previous year's MC questions. और ये previous year के जो हम MCQ questions करने वाले हैं, ये वो सारे topics में से हैं जो हमने earlier पढ़े थे in my 3 lectures. वो एक बार I just want to recapitulate कि कौन-कौन से topic थे. Number 1 was the Regulating Act के बारे में हमने study किया था of 1773. उसके बाद next thing जो हमने इसको देखा था दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. उसके बाद नंबर 3 पे वी हैव डन द डिफरेंट चार्टर एक्ट्स. वो एक थे आपके 1793 1813 1833 and 1853. तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करी थी. इन दिस क्लास हम यही सारे टॉपिक्स में से हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि क्वेश्चंस को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप किसी भी चीज की थ्योरी को पढ़ लेते हैं. उसी को होता है आप जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसको करना या उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो ईजी हो जाता है. ये क्वेश्चन दीज आर 10 क्वेश्चन. ये आपके 10 क्वेश्चन है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. ऐसे ही 10-20 मोर क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू ऐड इन द सीरीज. ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लिए हैं और क्यों ये टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको बता देती हूँ. नंबर 1, इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो ऑब्वियस है ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वॉन्ट टू क्लियर योर एनडीए एग्जामिनेशन और इफ यू वॉन्ट टू क्लियर योर एनटीएससी एग्जामिनेशन और इफ यू आर अपेयरिंग इन एनी काइंड ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अलोंग विद दैट आपके जितने भी स्टेट बोर्ड जो होते हैं उसके जितने भी आपके रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स होते हैं और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स है जिनमें ये टॉपिक्स जो है वो कवर होते हैं. इवन दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टॉपिक हम क्या कर रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी. दिस वाज द टॉपिक. इसके हमने मैंने अभी आपको बोला रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1793 1833 एंड 1853. इनको हमने पहले पढ़ा था. लेट्स सी वी आर गोइंग टू डू ओनली 10 क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट विच इज आस्क्ड इन द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. इसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं. लेट सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वन ऑफ द प्रीवियस ईयर. ईयर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल आल्सो राइट द ईयर एट द पेपर जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें प्रोविजन है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774. यस राइट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर ही फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था. नेक्स्ट है इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. यस, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो गवर्नर था बंगाल का ही वॉज मेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और जो अदर प्रेसिडेंसीज के थे लाइक योर मद्रास एंड द अनदर वन इज बॉम्बे, इनके जो गवर्नर्स थे दे वर मेड द सबॉर्डिनेट. ओके, ऑप्शन नंबर 3 यही है. इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ओके, बिकॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये दोनों ही प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो उसके सबॉर्डिनेट हो गए थे. द नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर जिसमें 4th है दैट इज इट एस्टैब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स. ये करेक्ट नहीं है बिकॉज बेसिकली इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. उसके अंडर जो था ये एस्टैब्लिश करा गया था. तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग. लेट सी कि इनमें से कौन सा करेक्ट है. 1 and 2 आर करेक्ट और 3, तीनों ही करेक्ट है. तो 1, 2 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833.
इसमें पहला ऑप्शन है कि लॉ मेड अंडर द एक्ट ऑफ 1833 वर कॉल्ड रेगुलेशंस. नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज द लॉज जो आपके एक्ट ऑफ 1833 के अंडर बनाए गए थे उनको रेगुलेशंस नहीं बोलते थे, दे आर कॉल्ड एज अ एक्ट. उससे पहले जितने भी लॉज बने थे दे वर कॉल्ड एज अ रेगुलेशन. तो ये तो हमारा हो गया गलत. ठीक है, सी द सेकेंड. इट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ कमर्शियल एज वेल एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. By the Charter Act of 1833, East India Company का commercial role जो था वो stop कर दिया गया and now it was serving as a administrative body purely. So आप देखें इसमें तो option number D इसमें correct है. Neither one neither two is nor two is right. Switch over to the question number 3. Which of the following is or are true regarding the Charter Act of 1853? ठीक है, तो वन को देखते हैं. Act of 1853 was the last of the Charter Acts that made the Governor General of Bengal as the Governor General of India. No, it was under the Article Charter, sorry, not Article. It was under the Charter Act of 1833 में जो Governor General of Bengal था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. इट कंबाइंड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल. नॉट कंबाइंड, सेपरेटेड. फॉर द फर्स्ट टाइम इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बोथ द ऑप्शन आर रॉन्ग. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है. नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट. लेट्स स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्यूअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. इसमें से किस एक्ट ने जो था वो ड्यूअल सिस्टम को लीड किया. तो दैट इज द ऑप्शन, इसमें ए ही करेक्ट है. दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने ड्यूअल सिस्टम को एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया. इस ड्यूअल सिस्टम में क्या था, ज्वाइंट गवर्नमेंट सेटअप हुई थी. ज्वाइंट गवर्नमेंट बोलने का क्या मतलब है, वन विच इज इन ब्रिटेन, जो आपकी ब्रिटेन में थी, एंड अनदर अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में वर्क को लुक आफ्टर करती थी अंडर क्राउन. किसके अंडर था, क्राउन के अंडर था. सो राइट आंसर इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे शायद हमने पीछे भी इसको डिस्कस कर लिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द ज्यूडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम. मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एक्चुअली में फोर्ट विलियम में कब कौन से एक्ट ने क्रिएट किया था, तो ऑब्वियस अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज अ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. Let's see the question number 6. East India Company was deprived of the monopoly of the trade with India except tea trade by which of the following acts? Okay, that was the Charter Act of 1813. ठीक है, Charter Act of 1813 के under British East India Company की जितनी भी monopoly थी उसको stop कर दिए. It was stopped. ठीक है, except only with the trade. मतलब इंडिया के साथ जो सिर्फ टी का ट्रेड था उसको कैरी किया गया, अदरवाइज जितने भी ट्रेड्स की मोनोपोली थी दैट वाज स्टॉप्ड. बेसिकली हमें पता है कि 31 दिसंबर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी तो इट गॉट द मोनोपोली राइट्स ओनली फॉर 15 इयर्स. सिर्फ 15 इयर्स के लिए मिले थे उसको, लेकिन वो एक्सटेंड होते गए. ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में इनको खत्म कर दिया गया. सिर्फ इंडिया को मोनोपोली थी टी के साथ ट्रेड करने की, सॉरी नॉट इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ मोनोपोली थी कि वो इंडिया से टी का ट्रेड कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ट्रेड विद द चाइना. अभी हमने रिसेंटली देखा, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ना, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ टी का जो राइट था वो मिला था कि वो टी के लिए मोनोपोली जो थे वो कर सकते थे, टी ट्रेड था उनको. ठीक है, अलोंग विद दैट 1813 के ही चार्टर एक्ट में बोला था कि जो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है विद चाइना वो कैरी रहेगी. लेकिन
क्वेश्चन है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विद चाइना. दैट वॉज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में चाइना के साथ जो मोनोपोली करने का इनका राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म हो गया. अलोंग विद दिस टी के साथ भी जो इंडिया के साथ इनको एक राइट था वो भी खत्म हो गया ट्रेड करने का. तो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन सो मेनी एग्जाम्स कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द राइट आंसर इज हेस्टिंग्स. ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आस्क्ड इन सो मेनी एग्जामिनेशंस. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वाज आई हैव टेकन फ्रॉम वन ऑफ द आईएएस एग्जाम पेपर, है ईयर मेरे को याद नहीं है कौन सा है. मैच द फॉलोइंग करना है इसमें, दीज आर द चार्टर्स एंड दीज आर द प्रोविजंस. 1773 में क्या हुआ था इनमें से अगर हम देखें तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यू कैन सी इट इज इम्पॉर्टेंट. देन 1784 में द राइट ऑप्शन इज डी, डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. 1883 में जो एक्चुअली में हुआ था गवर्नर, ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इट वॉज द आर्टिकल 1833 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंडर जो था एक ही ऑप्शन बचती है आपकी, दैट इज द गवर्नर जनरल काउंसिल लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन वर सेग्रीगेटेड. तो आप देख सकते हो अगर इन सबको देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारा इसमें बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सम एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन हियर, यू कैन सी इसको अगर आपको मैं शेयर कर दूंगी आप इसको रीड कर सकते हो. दीज आर रिलेटेड विद दिस क्वेश्चन. नाउ लेट सी द क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है या वट एवर जो भी ऑप्शन है इसको देखते हैं. इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन चाइना एंड ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. ओके, ऑप्शन जो वन है वो बिल्कुल करेक्ट है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी. सिर्फ टू ही प्लेसेस में बची थी, कहां पे, एक चाय के साथ बची थी और एक चाइना के साथ बची थी. ठीक है, सेकेंड देखते हैं. इट एजर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. करेक्ट, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 13 ये बोला गया था कि जितने भी पोजेशंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में एक्चुअली में अब वो क्राउन के अंडर है. इंडियन टेरिटरीज नाउ विच आर एक्चुअली हेल्ड बाय द कंपनी नाउ दे आर अंडर द ब्रिटिश क्राउन. ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं. द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. नो, रेवेन्यूज को अभी कंट्रोल जो है वो नहीं किया गया था. ठीक है, नो डाउट कि जब टेरिटरीज को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर लेके आया था तो लिटिल चेक तो था, बट स्टिल रेवेन्यूज के ऊपर कंट्रोल नहीं था. रेवेन्यूज के ऊपर जो कंट्रोल किया गया था दैट वॉज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. उससे जो प्योरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यूज थे उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको प्योरली कंट्रोल कर लिया. So we can see that only option 1 and option 2 are correct. Then A option is correct. So these are some of the questions. I have 10 questions aaj cover kiye. These are very important, taken from the previous year. In next class, we are going to do 10 more questions from the same topics. Then we will switch over to the next topic. Tab tak aap mere channel ko subscribe karo. Like karo. Thank you very much.